लोकतंत्र और समाजवाद के प्रतीक थे, सामाजिक न्याय के प्रतीक थे, शांति के प्रतीक थे, संगीत थे। उन्होंने आज के 100 साल पहले से भी 1916 में एक विश्वविद्यालय स्थापित किया। उस समय 10 साल में ही वो विश्वविद्यालय विश्व के शीर्ष 3 विश्वविद्यालयों में हो गए। अगर पूरे विश्व में विश्वविद्यालय का नाम आता था तो कहा जाता था BHU, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज। आज भारत का कोई विश्वविद्यालय विश्व के शीर्ष 200 विश्वविद्यालय में है। नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। आज है 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस है, तो लखनऊ में स्वतंत्रता दिवस की तैयारी तो बहुत पहले से ही चल रही है, लेकिन आज वो दिन आ गया जहां पे हमें आज़ादी मिली थी। तो आज हम लोग आए हैं गोल्ड सिटी में आए, जहां पे मानवी भारत पार्टी के कार्यालय में आए हुए हैं। पीछे आप ये भीड़ देख रहे हैं, 10:30 बजे का टाइम दिया गया था झंडा रोहण का, तो 10:30 बजे ही टाइम पे ही झंडा रोहण हुआ और यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं आज स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए, एक साथ इकट्ठा हुए हैं। तो हमारे साथ में पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनसे हम बात करेंगे आज जो झंडा रोहण को लेकर के और स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है तो उस पर क्या कहेंगे। तो सर आपका स्वागत। सबसे पहले तो सभी देशवासियों को, चाहे देश के अंदर रह रहे हों चाहे विदेश में रह रहे हों, स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। दूसरी बात जो हम कहना चाहेंगे, आज के 76 साल पूर्व हमारे पूर्वजों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने गुलामी से मुक्ति दिलाई, भारत को स्वतंत्रता दिलाई। आज वह समय आ गया है कि हम देश को नफरत से मुक्ति दिलाएं, देश को संकीर्णता से मुक्ति दिलाएं, देश को दकियानूसपन से मुक्ति दिलाएं और देश में लोकतंत्र की वास्तविक धारा, सामाजिक न्याय की वास्तविक धारा को प्रवाहित करने का व्रत लें। और समय आ गया है अब शिक्षा को बर्बाद होने से बचाया जाए, मूल्य आधारित शिक्षा दिया जाए। कहां हम सोच रहे थे सबको मुफ्त शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य व्यवस्था और मुफ्त न्याय, कहां अब शिक्षा व्यवस्था ही महंगी हो गई, स्वास्थ्य व्यवस्था महंगी होती चली जा रही है और मुफ्त न्याय की बात ही अब नहीं सोच रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में पहले हमको मूल्य आधारित शिक्षा का व्रत लेना पड़ेगा, तमाम उन बाधाओं को समाप्त करना पड़ेगा, उन बाधाओं को भगाना पड़ेगा जिन बाधाओं से लोकतंत्र, सामाजिक न्याय, संघीय व्यवस्था आज खतरे में है। जिन बाधाओं से आज हमारी सद्भावना खतरे में है, उसका मानवीय भारत पार्टी व्रत लेगी और उसको करके दिखाएगी। बहुत अच्छा कहा सर आपने। तो और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आज स्वतंत्रता दिवस पर क्या कहेंगे। तो सर आपका स्वागत। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय से आर्ट्स फैकल्टी का डीन प्रोफेसर PC मिश्रा, आज 17वीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे हम पूरे देशवासियों को अपनी तरफ से और अपने इस मानवीय भारत पार्टी के तरफ से सबको शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई देता हूं। आज का दिन बहुत ही पवित्र दिन है, जैसा कि माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि आज से 76 साल पहले हमको पूर्ण आज़ादी मिली थी और हम खुली हवा में सांस लेने के लिए तत्पर हुए। देश की तमाम समस्याएं हैं, लेकिन हम उन समस्याओं को सबके साथ मिलजुल कर उसका समाधान निकालना चाहिए। साथ ही साथ अभी तक हम विकासशील देशों में हमारी गणना हो रही है, हमको कम से कम 2050 तक हर हालत में हमको विकसित देश बन जाना है। इसके लिए देश के स्तर पर, समाज के स्तर पर और राज्य के स्तर पर कार्य हो रहे हैं और हमको पूरी उम्मीद है कि 2030 से लेकर 2050 के बीच में
हमारा भारत एक चमकता हुआ भारत होगा और हम हमेशा इसके लिए तन मन धन से मनसा वाचा कर्मणा से इसकी स्वतंत्रता को अक्षुण्ण और संप्रभु मनाने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। जैसे सर हम लोग स्वतंत्रता दिवस तो मना रहे हैं लेकिन आज भी कहीं ना कहीं हमें अपनी आवाज़ उठाने के लिए उसको दबाया जा रहा है। हमें हम अपनी आवाज़ को उठा नहीं सकते हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं धारा 144 लागू कर दी जाती है, ना आप बापू भवन में बैठ सकते हैं, ना विधानसभा में अपनी बात रख सकते हैं। आपकी बातों को और आपके अधिकारों को अगर आप लोग उठाते हैं तो उनको रोकने के लिए बहुत सारे जो है बल तल लगते हैं। क्या कहना चाहेंगे? इस पर कहना चाहूँगा कि सबको अपनी बात कहने का सबको अधिकार है, इसे किसी प्रकार का अंकुश नहीं लगना चाहिए। अगर हम शांतिपूर्ण ढंग से कोई भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो उसकी पूरी अनुमति प्रशासन से मिलनी चाहिए। अगर ऐसा वो कहते हैं कि हम लोगों की आवाज़ को दबाने का अगर प्रयास कर रहे हैं या फिर आप प्रयास करेंगे तो इसका परिणाम बहुत ही खराब हो। प्रोफेसर साहब और गुरु लोग तो मार्ग दिखाते हैं, ये प्रश्न हमसे करिए। वो मार्ग दिखाएंगे, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता लड़ेंगे, बापू भवन को मुक्त कराएंगे, सचिवालय को मुक्त कराएंगे, मीडिया बंधुओं को मुक्त कराएंगे इनके जंजाल से। हम संघर्ष करेंगे, आपका मार्गदर्शन होगा। आज जिस तरीके से हम लोग आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, सब लोग एकजुट होकर के एकता के सूत्र में बंध रहे हैं, तो सभी को क्या संदेश देना चाहेंगे? और ये 15 अगस्त जो हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं तो उस विषय पे क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित अपने सभी साथियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन बहुत ही पवित्र दिन है। हमारे जो राष्ट्रनायक हमको आज़ाद कराने के लिए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया, उन अपने प्राणों की आहुति दी, उनको शत शत नमन करने का, उनको स्मरण करने का आज एक दिवस है। उसके साथ ही एक पुनर्मूल्यांकन का भी दिवस के रूप में हम स्वतंत्रता दिवस को मनाते हैं। हमने कहाँ से शुरुआत किया था और आज कहाँ पर पहुँचे हुए हैं। जो है कि हमारे जब राष्ट्रनायक आज़ादी की लड़ाई को शुरू किए तो उनके समक्ष बहुत एक गंभीर समस्या थी। चूँकि हजारों साल भारत गुलाम रहा, यहाँ के लोगों की मानसिकता एक गुलामी की मानसिकता हो गई थी, उसको जागृत करने का एक बहुत एक यक्ष प्रश्न था, एक बहुत बड़ी समस्या थी। और उसको जागृत करने का जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया राष्ट्रपिता हमारे महात्मा गांधी ने किया, पूरे देश की यात्रा किया। और आज़ादी की लड़ाई में जो तीन विचारधाराएँ थीं, एक तो गांधी की विचारधारा थी, मैं सत्य और अहिंसा से अपने राष्ट्र को आजाद कराऊंगा। एक दूसरी विचारधारा थी, मैं लड़ाई लड़ करके, जिसके नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस जी कर रहे थे, नेताजी। और एक ऐसी विचारधारा थी, एक ऐसे नेतृत्व था जो कहता था कि मैं भारत की जो हमारी संपदा है, जो संस्कृति है, धर्म आध्यात्म योग और साधना के बल पर भारत आजाद कराएंगे, उसके प्रतिनिधि अरविंद घोष जी थे। उन्होंने जेल में रह करके योग और साधना के द्वारा भारत को आजाद करने के लिए योगदान दिया। और आज उनका जन्मदिन है, उनको मैं विशेष रूप से आज इस पर याद करता हूँ और उनको मैं अपना श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूँ। मैं कई बात जो आज जो ह्रास हो रहा है, भौतिक विकास चाहे हम जो कर लें, जितनी ऊंचाइयों को छू लें, चंद्रमा और सूर्य को स्पर्श कर लें, लेकिन जो मानवीय मूल्य और संवेदनाएं हैं जो समाप्त हो रही हैं, जो करा रही हैं, पग पग पर आप देखते हैं, जब घर के बाहर जैसे निकलेंगे आपको हर क्षण में कहीं ना कहीं से आपको यह समस्याएं दिखाएंगे, उसकी स्थापना आज की सबसे ज्यादा प्रासंगिकता है। और वही हम जो कर सकें वही हमारी सार्थकता होगी। जो है स्वतंत्रता दिवस की भी सार्थकता है, खम्मानी मूल्यों और संवेदनाओं की कितना अधिक से अधिक स्थापना करने अपना योगदान दे सकते हैं। कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से हम लोग स्वतंत्र है लेकिन मानसिक रूप से हम लोग अभी भी जो है हम लोग स्वतंत्र नहीं है। यही बात मैं कह रहा हूँ कि चूंकि हमारी जो पंथता की मानसिकता थी, जो है उस मानसिकता को दूर करने के लिए गांधी ने प्रयास किया, लेकिन एक गांधी नहीं कर सकता। जिस राष्ट्र के जन का मन अशुद्ध हो जाएगा वह राष्ट्र कभी भी एक अच्छे नेतृत्व को नहीं दे पाएगा। प्रधानमंत्री राष्ट्र में कोई पावर नहीं है, अगर है तो यहाँ के जन में है, यहाँ के समाज में है। जिस दिन चाहेंगे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो कुछ है सभी सत्ता परिवर्तन, यह लोकतंत्र जो है, ये स्वराज जो है, ये केवल सत्ता परिवर्तन के प्रतिष्ठान नहीं था। इसका मकसद था कि जो हमारी आर्थिक विपन्नता है, जो हमारी राजनैतिक प्रतंत्रता है और जो हमारी जो है कि एक सामाजिक विकार विकृतियां हैं, उन सभी को दूर करने का प्रयास था
और तभी हम पूर्ण समाज स्वराज प्राप्त करेंगे जब हम आर्थिक रूप से संपन्न होंगे, जब हमारी सामाजिक विकृतियां और विकार हैं वो दूर होंगे, तभी हम पूर्ण रूप से स्वराज के कहने के लिए हकदार होंगे और तभी हम उसको प्राप्त कर पाएंगे। सर क्या कहना चाहेंगे स्वतंत्रता दिवस जिस तरीके से पूरी दुनिया और पूरा देश एकजुट होकर मना रहा है? आज पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस हर साल आता है, हम लोग मनाते हैं और इस स्वतंत्रता दिवस ये संदेश दे जाता है कि हम अपने कर्तव्य का हमेशा पालन करते रहें, राष्ट्र के प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं उसका निष्ठापूर्वक निर्वहन करते रहें, जिस स्थान पर जो भी हमें ड्यूटी है, हमारी ड्यूटी है, जो भी हमारा कार्य है, हम उसको निष्ठापूर्वक देश सेवा में समर्पित करते रहें। तो सर आप जैसे कि एक सैनिक भी हैं और एक आप जिम्मेदार व्यक्ति भी हैं, नागरिक भी हैं आप साथ में, तो सर सभी देशवासियों से क्या कहना चाहेंगे? सिर्फ आप ही कर्तव्य नहीं होते हैं, आम जनता के भी कुछ कर्तव्य होते हैं, अपने कर्तव्यों का पालन किस तरीके से करें? मेरे कहने का मतलब यही है कि जो जिस लायक है वो उसी रूप में देश सेवा में अपने को समर्पित करता रहे। धन्यवाद। आज स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मानवीय भारत पार्टी राजनीति में सुधार करके बेकारी, भूखमरी, गरीबी, अशिक्षा से इस देश को मुक्ति दिलाने के लिए अग्रसर है और हम लोग दिला करके रहेंगे। भारत माता की जय। तो आज हम लोग आए थे मानवीय भारत पार्टी के कार्यालय में जहाँ पे स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 10:30 बजे झंडा रोहण का टाइम था तो झंडा रोहण 10:30 बजे हुआ। दूर दूर से लोग यहाँ पे आए हुए थे, प्रदेश के कोने कोने से लोग आए हुए थे, साथ समाज के बहुत सारे व्यक्ति आए हुए थे, जिम्मेदार व्यक्ति, जिन्होंने बताया स्वतंत्रता दिवस का क्या महत्व है और स्वतंत्रता दिवस हम किस तरह से मनाएं। तो हम आपको दिखा रहे हैं लखनऊ में विशेष क्या हो रहा है स्वतंत्रता दिवस के मौके पे, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस एक ऐसा पर्व है जो राष्ट्रीय पर्व होता है, सभी को एकजुट होकर के मनाना चाहिए, क्योंकि झंडा ऊंचा रहे हमारा विश्व विजय तिरंगा प्यारा। तो झंडा हमारा मान है, सम्मान है और हमारा गर्व है और गौरव भी है, तो इस गौरव को बना के रखिए। इसी की तरह से हम आपको दिखाते रहेंगे कि लखनऊ में क्या खास हो रहा है इस 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस के महापर्व पर। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूंगी, धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।